हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन. ओके, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें इट इज द रिएक्शन ऑफ एस्टर्स और ऐसे एस्टर्स जिनके पास अल्फा एच एटम प्रेजेंट होता है. जैसे यहां पर अल्फा कार्बन है और अल्फा एच है, तो एल्डोल की तरह यहां पे भी अल्फा कार्बन और अल्फा एच होने पर ऐसे एस्टर्स क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन शो कर पाते हैं. जो रिएक्टेंट हम यहां पर काम में लेते हैं दैट इज CH3ONa विद CH3OH एज सॉल्वेंट. ठीक है, तो इस तरीके से हम थोड़ा सा सोचें कि यही क्यों लेते हैं. जो यहां पर लिविंग ग्रुप है उसी को हमने बेस की तरह काम में लिया. ऐसा इसलिए किया कि अगर इस CH3O नेगेटिव की, जो कि हमने बेस या न्यूक्लियोफाइल की तरह लिया है, अगर इसका अटैक अगर कार्बन पर हो जाता है, ठीक है, तो कार्बन पर हो जाएगा तो इससे क्या होगा, sp2 से ये sp3 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. और क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन रिवर्ट करेगा तो वापस से यही एलिमिनेट हो जाएगा, तो वापस हम वही आ जाएंगे. तो अगर इसका न्यूक्लियोफाइल का अटैक कार्बन पर हो भी तो इफेक्टिवली कोई चेंज प्रोड्यूस ना हो, इसीलिए जो भी लिविंग ग्रुप है उसी को बेस की तरह काम में लिया जाता है. मतलब अगर इस न्यूक्लियोफाइल का यहां अटैक हो भी और ये एलिमिनेट भी हो तो उससे कोई फर्क इफेक्टिवली ना पड़े, क्योंकि वही आकर के ऐड हो जाए और वही ग्रुप क्या हो, एलिमिनेट हो. ठीक है, तो इफेक्टिवली इट विल नॉट मेक एनी चेंज और इस रिएक्शन स्टेप का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा. ठीक है, दूसरी बात यह है कि CH3O नेगेटिव जो कि बेस है, इसी के साथ CH3OH ले लेते हैं एज ए सॉल्वेंट. ऐसा इसलिए करते हैं कि आपस में अगर ये रिएक्शन कर भी जाए तो एसिड बेस रिएक्शन से जो रिएक्टेंट है वही प्रोडक्ट के फॉर्म में बने, तो इस रिएक्शन का भी होने या नहीं होने का कोई मीनिंग नहीं है. तो हमने क्या करा, टेक्निकली इस रिएक्शन को और CH3O नेगेटिव के कार्बोनिल पर अटैक दोनों को ही हमने इनइफेक्टिव बना दिया. ठीक है, तो जो स्टेप हम चाहते हैं वो ये है कि ये बेस अल्फा कार्बन से H प्लस एलिमिनेट कर ले. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप ये हो जाए अल्फा कार्बन से ये H प्लस एलिमिनेट कर ले, और H प्लस एलिमिनेट करके क्या बना लेगा, CH3OH और CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OCH3. ठीक है, कार्बन आयन ये बना लेगा जो कि क्या होगा, इनोलेट होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा. यहां पर जो लोन पेयर होगा वो C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड रहेगा. ठीक है, इसके बाद सेकेंड स्टेप में जो एनायन यहां पर बना है ये इस मॉलिक्यूल पर अटैक कर सकता है, ठीक है, और ये इस पर अगर अटैक करेगा तो ये OCH3 ग्रुप यहां से एलिमिनेट हो जाएगा. ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, पहले न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पर एडिशन हो जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में जब ये इलेक्ट्रॉन रिवर्ट करेगा तो ये यहां से चला जाएगा. तो यहां पर हमको जो प्रोडक्ट मिलेंगे दैट विल बी दिस कीटो कंपाउंड विद द फॉर्मेशन ऑफ CH3O नेगेटिव, जो कि एज ए कैटलिस्ट वापस बाहर आ गया और रिएक्शन में इसका कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं हो पाएगा. ठीक है, अगर आप देखोगे तो फर्स्ट स्टेप में ये यूज हो जा रहा है और सेकेंड स्टेप में दोबारा से रिलीज हो जा रहा है, मतलब CH3O नेगेटिव के कॉन्सेंट्रेशन में कोई कमी नहीं आएगी. जो प्रोडक्ट यहां पर बना है दैट इज बीटा कीटो एस्टर, बीटा कीटो एस्टर, और इसीलिए इस रिएक्शन को, इसमें हम क्या हो रहा है, दो मॉलिक्यूल यूनाइट कर दे रहे हैं, और इसलिए इसको क्या कहा जाता है, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन. तो क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर जो मॉलिक्यूल हमने लिया है ये एस्टर है, अल्फा पर कार्बन पर एच होना चाहिए, और जो प्रोडक्ट यहां पर बनेगा दैट विल बी बीटा कीटो एस्टर. इट इज वेरी सिमिलर टू एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन.
फर्स्ट स्टेप में आपको अल्फा कार्बन से H प्लस निकाल करके कार्बन आयन बना लेना है, और उस कार्बन आयन का दूसरे अनरिएक्टेड एस्टर मॉलिक्यूल पर अटैक करा के बीटा कीटो एस्टर बना लेना है। ओके, क्वेश्चन करते हैं। ओके, इस मॉलिक्यूल में आपको प्रोडक्ट बनाना है। पहली बात, यहां पर अल्फा कार्बन है, एच है, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन शो कर सकता है। जो बेस यहां जो लिविंग ग्रुप है वही हमने बेस की तरह काम में लिया है। फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन ईटीओ नेगेटिव अल्फा कार्बन से एच प्लस एलिमिनेट करेगा, फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन। तो क्या बन जाएगा, ईटीओएच, और ये एनायन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड स्टेप ऑफ रिएक्शन, जो ये एनायन है इसका इसी मॉलिक्यूल पर अटैक करा दें, तो एनायन का इस पर अटैक होगा और ईटीओ नेगेटिव यहां से लिविंग ग्रुप की तरह चला जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज दिस। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे आ सकते हैं, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। यहां पर एक काइरल सेंटर बन रहा है, और क्योंकि एक काइरल सेंटर बन रहा है तो इसमें दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक आर फॉर्म और एक एस फॉर्म। ठीक है, तो काइरल सेंटर है इसलिए यहां पर हम दो प्रोडक्ट कंसीडर करेंगे, एक आर फॉर्म और एक एस फॉर्म। कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप लोग अटेम्प्ट करें। ओके, तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर टू में, ठीक है, अब मैं आंसर लिख रहा हूं, आप लोग खुद से अटेम्प्ट कर लें इसे। ओके, यहां पर भी एक काइरल सेंटर है और दो आंसर इसमें आएंगे, एक आर फॉर्म और एक एस फॉर्म। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर थ्री, यहां पर देखिए OPH, PHO नेगेटिव, यही लिविंग ग्रुप है और यही बेस के फॉर्म में हमने लिया हुआ है, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। एनीवे, यहां पर कोई काइरल सेंटर नहीं है इसलिए यहां पर हम ऑप्टिकल आइसोमर्स को काउंट भी नहीं करेंगे। ओके, तो इसमें अगर अपन देखें, एक काइरल सेंटर है, इसमें हम दो ऑप्टिकल आइसोमर्स काउंट करेंगे, एक आर फॉर्म और एक एस फॉर्म, टू आंसर्स आएंगे इस क्वेश्चन में। जैसा कि हमने अल्डोल कंडेंसेशन में देखा था, क्लेजन कंडेंसेशन में भी क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन सकते हैं। क्वेश्चन के फॉर्म से ही हम लोग करते हैं। ओके, जैसे आपको दो मॉलिक्यूल्स दिए जाएं और इस पर हमें मान लीजिए कि क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन करानी है, फर्स्ट ये वाला जो मॉलिक्यूल है इस पर अल्फा कार्बन और अल्फा एच एब्सेंट है, लेकिन अल्फा कार्बन और अल्फा एच इसमें प्रेजेंट है। तो इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस, फर्स्ट स्टेप में राइट वाला जो मॉलिक्यूल है, क्योंकि इस पर अल्फा एच प्रेजेंट है, ये कार्बन आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बना लेगा CH3OH प्लस CH2 नेगेटिव
सी डबल बॉन्ड हो ओ सी एच थ्री, ठीक है, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, इनोलेट आयन होगा। सेकेंड स्टेप ऑफ रिएक्शन में इन दोनों मॉलिक्यूल में से लेफ्ट वाले मॉलिक्यूल पर रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, क्योंकि सेकेंड वाले पर ये क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा और चार्ज यहां पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो जाएगा। तो लेफ्ट मॉलिक्यूल पर रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा और क्रॉस प्रोडक्ट इस रिएक्शन के अंदर एज ए प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में इसका अटैक होगा सी डबल बॉन्ड ऊपर और ओ सी एच थ्री यहां से लिविंग ग्रुप की तरह चला जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन विच विल बी फॉर्म्ड विल बी दिस विद द फॉर्मेशन ऑफ सी एच थ्री ओ नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह की जो रिएक्शंस है इनको कहा जाता है क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन। ओके, तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखें, ओके ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें आप लोग, ओके टाइम लेकर के अटेम्प्ट कर लीजिए, मैं इसके आंसर्स लिखता हूं। तो यहां पर अगर अपन देखें ये मॉलिक्यूल में तो अल्फा कार्बन और अल्फा एच एब्सेंट है, लेकिन ये कार्बन आयन जनरेट कर सकता है, तो इस तरह से ये तो बनाएगा कार्बन आयन और इसका इस पर क्रॉस अटैक होगा, तो जो प्रोडक्ट यहां पर हमको मिलेगा दैट विल बी दिस। सिंगल कायरल सेंटर आर और एस दो फॉर्म्स हमको यहां पे मिलेंगे। सिमिलरली यहां पर भी अल्फा कार्बन अल्फा एच एब्सेंट है, यहां पर अल्फा कार्बन है अल्फा एच है, ये कार्बन आयन बनाएगा और इसका इस पर क्रॉस अटैक होगा, तो प्रोडक्ट जो मिलेगा हमको ये मिलेगा। ओके, सिंगल कायरल आर और एस दो आंसर आएंगे। अब यहां अगर अपन देखें, देखिए ये तो एस्टर है मगर ये क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन शो नहीं कर सकता है, अल्फा कार्बन अल्फा एच एब्सेंट है यहां पर, लेकिन एक कीटोन है ये रिएक्शन शो कर सकता है। तो यहां पर होगा क्या, ये मॉलिक्यूल तो एनायन के फॉर्म में कन्वर्ट होगा और इसका इस पर अटैक होगा क्रॉस, तो ये रिएक्शन को अपन क्लेजन तो नहीं कह सकते, ये जरूर कह सकते हैं हम अल्डोल और क्लेजन दोनों के मैकेनिज्म की तरह है, ठीक है, ये आंसर इसके अंदर रहेगा और सी एस थ्री ओ नेगेटिव यहां से लिविंग ग्रुप की तरह चला जाएगा, ठीक है। तो मैकेनिज्म तो सेम ही है क्लेजन और एल्डोल के, और इस तरह से मिक्स वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जिसमें एल्डोल और केनिजार और दोनों टाइप की रिएक्शन का यूज हो रहा हो, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन की तरह क्लेजन कंडेंसेशन में भी इंट्रामॉलिक्युलर क्लेजन रिएक्शन हो सकती है, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। तो इस क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो एक ही मॉलिक्यूल में दो एस्टर फंक्शनल ग्रुप्स हैं और ऐसे में इंट्रामॉलिक्युलर क्लेजन रिएक्शन हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन में अगर अपन इस पर सोच लीजिए आप लोग कैसे हम बना सकते हैं, एल्डोल की तरह यहां पे भी रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी अगर 5 या 6 मेंबर साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें अगर अपन देखें सी एस थ्री ओ नेगेटिव एज ए बेस, या तो इस कार्बन से या इस कार्बन से, दोनों एक जैसे ही हैं,
किसी एक कार्बन से हम H प्लस एलिमिनेट करके एनायन बना ले जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। तो यहां से हम इसको एलिमिनेट कर लें। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन अल्फा कार्बन से हमने H प्लस निकाल लिया, और सेकेंड स्टेप ऑफ रिएक्शन में ये एनायन इस पर अटैक करेगा और ये लीविंग ग्रुप की तरह यहां से चला जाएगा। इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ए फाइव मेंबर साइक्लिक रिंग। तो फिफ्थ पोजीशन से सी डबल बॉन्ड उसे ज्वाइन होगा, और फिफ्थ पोजीशन पर ये प्रेजेंट है सी डबल बॉन्ड OCH3, और लीविंग ग्रुप की तरह बाहर आ जाएगा CH3O नेगेटिव। तो इस तरीके से हम इंट्रामॉलिक्यूलर क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन करा सकते हैं। इट इज जस्ट लाइक एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द साइक्लिक रिंग ऑफ 5 or 6 मेंबर इज जनरेटेड। ओके, एक बार देख लीजिए। ओके, तो एक क्वेश्चन इस पे करते हैं हम लोग। ओके, तो इसको भी अटेम्प्ट करें। यहां पर भी देखिए दो एस्टर ग्रुप्स हैं, आइडेंटिकल ही है। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन में ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, दोनों में से किसी भी कार्बन से H प्लस एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, एनायन बन जाएगा, और इसके बाद इस पर जब अटैक होगा तो OCH3 यहां से लीविंग ग्रुप की तरह चला जाएगा, एंड इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ए 5 मेंबर साइक्लिक रिंग। इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं ये कहलाती है इंट्रामॉलिक्यूलर क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। नेक्स्ट नेम रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन का नाम पड़ा जो प्रोडक्ट बनते हैं उससे। जो प्रोडक्ट इस रिएक्शन में बनते हैं दे आर आइदर CHCl3, CHBr3 और CHI3। इन जनरल दे आर नॉन एज हैलोफॉर्म। CHCl3 को कहा जाता है क्लोरोफॉर्म, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म और CHI3 आयोडोफॉर्म। इन जनरल दे आर नॉन एज हैलोफॉर्म, और इसी से रिएक्शन का नाम भी पड़ता है। ये जो CHI3 है इसका कलर होता है येल्लो। ठीक है, और ये टेस्ट की तरह भी रिएक्शन काम में आती है। ऐसे एल्डिहाइड्स या कीटोन्स जिनके पास RC डबल बॉन्ड हो या C डबल बॉन्ड हो CH3 ग्रुप होता है। ठीक है, इसको मिथाइल कीटो ग्रुप भी कहा जाता है। मिथाइल कीटो, एल्डिहाइड या कीटोन दोनों हो सकते हैं, बट CH3C डबल बॉन्ड ग्रुप अगर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो ये रिएक्शन हो सकती है, और इस रिएक्शन को हैलोफॉर्म रिएक्शन कहा जाता है। रिएक्शन में अगर अपन आयोडीन यूज करते हैं तो इसे आयोडोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कहा जाता है। रिएक्शन में अगर अपन यूज करते हैं I2 और बेसिक मीडियम NaOH, ठीक है, बेसिक मीडियम लेने के लिए NaOH यूज करते हैं। द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड विल बी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद द फॉर्मेशन ऑफ CHI3 विच इज येल्लो इन कलर। ओके, और मिथाइल कीटो ग्रुप की पहचान ही यही है, I2 और NaOH मिलाने पर अगर येल्लो कलर आ रहा है इसका मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है इनको कहा जाता है
हैलोफॉर्म रिएक्शन, इस पर्टिकुलर केस में आयोडीन यूज कर रहे हैं तो आयोडोफॉर्म या आयोडोफॉर्म टेस्ट भी इसे कहा जाता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट। एक बार हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन में बिल्कुल एल्डोल की तरह ही होगा, अल्फा कार्बन से बेस OH नेगेटिव पहले H प्लस निकाल के और एनायन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देगा, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी होगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन। क्योंकि हम यहां पर हैलोजन यूज कर रहे हैं तो जो एनायनिक फॉर्म है इट विल रिएक्ट विथ आयोडीन और एनी हैलोजन जो हम यहां पे यूज करेंगे एंड इट विल कन्वर्ट दिस इनटू आरसी डबल बॉन्ड ऑफ CH2I विद द फॉर्मेशन ऑफ आई नेगेटिव। आप इफेक्टिवली देखेंगे यहां पर हुआ क्या, एक H यहां से हट गया और उसकी जगह पर आयोडीन आ गया। ठीक है, इफेक्टिवली एक H हट गया और उसकी जगह पर आयोडीन सब्स्टिट्यूट हो गया। थर्ड स्टेप ऑफ रिएक्शन में फिर से बेस अल्फा कार्बन से H प्लस एलिमिनेट कर सकता है एंड इट विल कन्वर्ट दिस इनटू दिस फॉर्म और इस एनायन का फॉर्मेशन और ज्यादा फास्ट होगा क्योंकि पहले से प्रेजेंट आयोडीन इसको कार्बनायन को स्टेबिलाइज करेगा। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट आयोडीन का लगेगा जिससे कि कार्बनायन की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो पहले H प्लस का निकलना डिफिकल्ट होगा लेकिन सेकेंड H प्लस का निकलना और ज्यादा इजी हो जाएगा। सो सब्सिक्वेंट स्टेप्स में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर आयोडीन की प्रेजेंस की वजह से एनायन का फॉर्मेशन फास्ट होता जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन में फिर से आयोडीन मॉलिक्यूल के साथ इसका आयोडीन का पोलराइजेशन होगा और ये आई यहां पर आकर के लग जाएगा एंड इट विल फॉर्म आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच आई टू एंड आई नेगेटिव। इफेक्टिवली अगर हम देखें तो दो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होकर के दो आयोडीन यहां पर आ गए। ठीक है, और एक और बार ये रिएक्शन होगी OH माइनस के साथ और इस बार एनायन का फॉर्मेशन और ज्यादा आसान होगा बिकॉज दो आयोडीन होंगे जो माइनस आई लगा रहे होंगे और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, तो अगेन यहां पर आई टू के साथ रिएक्शन जब होगी तो इफेक्टिवली सारे हाइड्रोजन हट करके आई में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहां अगर अपन ध्यान से देखें तो ऑल हाइड्रोजन विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय आयोडीन। ठीक है, तो पहले अगर अपन देखें स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस वाइज देखें तो यहां पर CH3 सी डबल बॉन्ड हमने लिया था जो पहले कन्वर्ट हुआ आर सी डबल बॉन्ड ऑफ CHI, फिर कन्वर्ट हुआ आर सी डबल बॉन्ड ऑफ CHI2 और फिर कन्वर्ट हुआ आर सी डबल बॉन्ड ऑफ CI3 और हर स्टेप में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता जाएगा क्योंकि कार्बनायन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो फाइनल स्टेप ऑफ रिएक्शन यहां पर CI3 जो है इस पर बेस का या OH नेगेटिव का जब अटैक होगा तो क्या होगा, पहले एडिशन हो जाएगा और फिर जब ये रिवर्ट होगा तो CI3 नेगेटिव यहां से बाहर चला जाएगा। इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड CI3 नेगेटिव। ठीक है, पहले ये बन जाएगा और फिर ये स्ट्रॉन्गर एसिड स्ट्रॉन्गर बेस को प्रोटॉन डोनेट कर देगा एंड इट विल लीड टू फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। इट विल एग्जिस्ट एज कार्बोक्सिलेट आयन एंड इट विल फॉर्म CHI3 विच इज येल्लो इन कलर। तो इस कलर से जजमेंट रहता है कि जो मॉलिक्यूल हमने एज ए स्टार्टिंग मटेरियल लिया है जिस पर I2NaOH की रिएक्शन कराई है उसमें मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, और इसीलिए ये CHI3 बना पा रहा है विच इज येल्लो इन कलर। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो ये कैनिजार
हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट या आइडोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकते हैं। पहली बात, सारे एल्डिहाइड्स या कीटोन्स, जैसे फॉर एग्जांपल ये एल्डिहाइड, तो इसमें मिथाइल कीटो ग्रुप है और ये आइडोफॉर्म टेस्ट शो कर सकता है। एसीटोन, मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट, इट कैन शो आइडोफॉर्म टेस्ट। इस तरह के कंपाउंड्स, ठीक है, मिथाइल कीटो ग्रुप आइडोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकता है। इस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, इट कैन ऑल्सो शो आइडोफॉर्म टेस्ट, मिथाइल कीटो ग्रुप है। लेकिन अगर अपन बेंजाइल्डिहाइड की बात करें तो यहां पर मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट नहीं है और ये मॉलिक्यूल आइडोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। ना सिर्फ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ऐसे अल्कोहल्स जिनके ऑक्सीडेशन से मिथाइल कीटो ग्रुप जनरेट हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट दिस मॉलिक्यूल, तो इसका दिस इज एन अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल है, इसके ऑक्सीडेशन से बन जाएगा सी डबल बॉन्ड और CH3। तो यहां पर हम काम में लेते हैं हेलोजन, या मान लीजिए I2 काम में ले रहे हैं, तो आयोडीन का क्या होगा, 0 से -1 में रिडक्शन हो जाता है और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये ऑक्सीडाइज करके मिथाइल कीटो ग्रुप बना दे रहा है। तो ऐसे अल्कोहल जिनके ऑक्सीडेशन से मिथाइल कीटो ग्रुप जनरेट हो जाते हैं, वो अल्कोहल भी आइडोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें इस मॉलिक्यूल की, ठीक है, इथेनॉल, ठीक है, बहुत सिंपल है, इथेनॉल मॉलिक्यूल यूजुअली ये बाय प्रोडक्ट्स की तरह बनता है और ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रोडक्ट कैन शो हेलोफॉर्म रिएक्शन, तो ये इथेनॉल का भी ऑक्सीडेशन होकर के एसिटाइल्डिहाइड बन सकता है और मिथाइल कीटो ग्रुप की वजह से इट कैन शो हेलोफॉर्म रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल पीएच CHOH CH3, तो इसका भी क्या होगा, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर होगा इट विल फॉर्म सी डबल बॉन्ड ऑफ CH3, ठीक है, और मिथाइल कीटो ग्रुप की वजह से ये अल्कोहल भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बाद मिथाइल कीटो बना रहा है और यहां हेलोफॉर्म रिएक्शन या आइडोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकता है। इफ यू टॉक अबाउट दिस मॉलिक्यूल, तो बताइए क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकता है। अगर हम बात करें I2NOH के साथ रिएक्शन कराने पर, तो OH नेगेटिव जो कि क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, पहले SN2 रिएक्शन से Cl को हटा देगा और Cl को हटा देगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू CH3 CHOH PH इस फॉर्म में चला जाएगा और इसका फर्दर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन से बना लेगा मिथाइल कीटो ग्रुप और मिथाइल कीटो ग्रुप होने की वजह से अब ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकता है। तो ऐसे अल्काइल हैलाइड जो अल्कोहल बनाते हैं जिनके ऑक्सीडेशन से मिथाइल कीटो आ जाता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हेलोफॉर्म रिएक्शन या आइडोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, तो ये भी शो कर सकता है हेलोफॉर्म रिएक्शन, यहां पर BR की जगह पे OH आ जाएगा जिसके ऑक्सीडेशन से मिथाइल कीटो ग्रुप आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्वेश्चन दिया जाए, अगेन ये मॉलिक्यूल भी शो कर सकता है क्योंकि यहां पर Cl की जगह OH आ जाएगा जिसके ऑक्सीडेशन से मिथाइल कीटो आ जाएगा, ठीक है, तो आप एक बार ये देख लीजिए और कॉपी कर लीजिए। कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस इस पर पूछे आ सकते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए क्या ये मॉलिक्यूल आइडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट विल शो आइडोफॉर्म टेस्ट। तो इसको कहते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, दोनों तरफ सी डबल बॉन्ड ग्रुप्स हैं, तो CH2 ग्रुप बीच में है और इसको क्या कहा जाता है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। जब अपन इसकी रिएक्शन कराते हैं I2 और NaOH से, तो जैसे कि हमने मैकेनिज्म देखा, यहां पर प्रेजेंट दोनों हाइड्रोजन एक एक करके आयोडीन से सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे और इस फॉर्म में पहले ये कन्वर्ट हो जाएगा,
इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जब OH माइनस का अटैक होगा यहां पर, ठीक है, मैं डायरेक्टली पूरा मतलब मैकेनिज्म वाइज लिख देता हूं। तो पहले क्या होगा, इस पर एडिशन हो जाएगा और फिर जब ये रिवर्ट होगा इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के यहां से Ci2 नेगेटिव लीविंग ग्रुप की तरह चला जाएगा। तो इट विल कन्वर्ट इनटू दिस फॉर्म Ci2 नेगेटिव एंड CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो पहले ये बन जाएगा और फिर इनमें एसिड बेस रिएक्शन होगी, जिससे कि कार्बोक्सिलिक एसिड तो प्रोटॉन डोनेट करके कार्बोक्सिलेट आयन बना लेगा और प्रोटॉन गेन करके यहां पर आ जाएगा Ci2। यही तो बनता ही है एज ए इंटरमीडिएट, ये बनता ही है। पहले अगर हम आइडोफॉर्म रिएक्शन कराते हैं तो H हटा करके हम I को सब्सटीट्यूट करते हैं और आगे भी इस पर रिएक्शन हो सकती है। दो आयोडीन सब्सटीट्यूटेड है और इस पर रिएक्शन जब कराते हैं तो फर्दर रिएक्शन से यहां पर आई थ्री आ जाता है और फिर फर्दर रिएक्शन NaOH की अगर इससे कराई जाती है तो ये Ci3 नेगेटिव और CH3COH बन जाता है और लास्ट स्टेप में प्रोटॉन डोनेट करके ये कन्वर्ट हो जाता है CHI3 में येलो कलर और CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो कहने का मतलब ये है कि ये कन्वर्ट हो जा रहा है और ऐसे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप जिसमें दोनों तरफ C डबल बॉन्ड O है, ये मॉलिक्यूल्स आइडोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकते हैं। माइंड यू, लेकिन कीटोन होने चाहिए या एल्डिहाइड होने चाहिए, एस्टर्स और कार्बोक्सिलिक एसिड कभी भी हैलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक बार आप ये देख लीजिए और कॉपी कर लीजिए। ओके, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। इस पे आपको बताना है कि ये आइडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा या नहीं। ओके, तो ये 13 जो है इट विल शो आइडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि इसका क्या, ये भी अल्कोहल है, इट विल ऑक्सीडाइज टू फॉर्म दिस। एक बार ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो इसमें भी एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप आ गया, दोनों तरफ सी डबल बॉन्ड है, जैसा कि हमने देखा ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट शो कर सकता है, ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट शो कर सकता है, यहां पर भी एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, दोनों तरफ सी डबल बॉन्ड है, ये शो कर सकता है। एस्टर ग्रुप जो है दे कैन नॉट शो आइडोफॉर्म। एक्चुअली होगा क्या, OH नेगेटिव पहले इस पर अटैक करके इसको सब्सटीट्यूट कर देगा और यहां पर आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और ये चला जाएगा। अब क्या होगा, ये बेस के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सिलेट आयन बना लेगा, ठीक है। ये भी क्या है, बेसिक एंड है और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, इट विल नॉट शो, ठीक है, आइडोफॉर्म रिएक्शन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कार्बोक्सिलिक एसिड, इट विल ऑल्सो, ऑल्दो इट हैज मिथाइल कीटो ग्रुप, मगर ये एल्डिहाइड या कीटोन नहीं है और इसकी रिएक्शन बेस के साथ एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी एंड इट विल नॉट शो आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो जो भी पॉसिबिलिटीज थी जो हैलोफॉर्म पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करते हैं। सो ये सारे क्वेश्चन बेस थे, कौन से मॉलिक्यूल हैलोफॉर्म या आइडोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, आपको बताना है कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। ओके, एक बार ये देख लीजिए और अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में मिथाइल कीटो ग्रुप है, पहले I2NaOH के साथ यहां पर आइडोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी। और फिर क्या है, ये मिथाइल, ये बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड है, हीटिंग से CO2 भी एलिमिनेट हो जाएगा एंड इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉन, ठीक है, ये बन जाएगा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।
अब हम डिस्कस करते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन या हैलोजनेशन रिएक्शन। बेसिक मीडियम में हमने डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करते हैं अल्फा हैलोजनेशन एसिडिक मीडियम में। ओके, एसिडिक मीडियम में हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए I2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, ठीक है, तो सबसे पहले जब मीडियम एसिडिक हो तो हम कीटो फॉर्म से कभी रिएक्शन कराएंगे नहीं, हम हमेशा कीटो फॉर्म का इनॉल फॉर्म बना लेंगे, टॉटोमर बना लेंगे। तो ये टॉटोमर बन जाएगा इस तरह से, टॉटोमर इज बेसिकली इनॉल फॉर्म। तो जब भी हम रिएक्शन कराएंगे हैलोजन की तो यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। जब हम बेसिक मीडियम में रिएक्शन करा रहे थे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा था, यहां पर एडिशन होगा इलेक्ट्रोफिलिक। तो जब इस पर I2 की रिएक्शन होगी तो आयोडीन ये ज्वाइन होगा लेफ्ट एंड पर और राइट एंड पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ज्यादा स्टेबल भी है, ठीक है। आई माइनस यहां से चला जाएगा तो अटैक ऑफ ये किस में ब्रेक हो जाता है, आई प्लस और आई माइनस, आई प्लस लेफ्ट एंड से जुड़ेगा और इस तरीके से यहां पर कार्बोकेटाइन आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहां पर इन दोनों के बीच में हम इस तरह से बना सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड OH प्लस, और यहां से डी प्रोटोनेशन होगा। इफेक्टिवली देखा जाए तो यहां पर कीटो ग्रुप आ जा रहा है, और अगर इफेक्टिवली देखा जाए तो यहां पर एक H हट गया और I आ गया। यही हम बेसिक मीडियम में भी करा रहे थे। फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन में यहां पर क्या होगा, एक H हट गया और इसकी जगह पर आयोडीन सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। अब अगर अपन इस पर फर्दर रिएक्शन कराते हैं तो जो यहां पर बना है कीटो फॉर्म, इसका हम दोबारा से टॉटोमर बनाएंगे। तो टॉटोमेरिक फॉर्म में अगर अपन देखें तो ये इनॉल रहेगा या अल्कीन रहेगा, मगर रेट ऑफ रिएक्शन अल्कीन पर अब स्लो कर देगा आयोडीन, क्योंकि पहले से पड़ा हुआ आयोडीन माइनस आई लगाएगा और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कम कर देगा। तो इस पर जब दोबारा से रिएक्शन होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा नहीं, अब कम हो जाएगा, क्योंकि द रिएक्शन मैकेनिज्म इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होने के कारण सेकेंड आयोडीन का सब्स्टिट्यूशन फास्ट नहीं होता है, स्लो हो जाता है। इनफैक्ट मोनोहैलोजनेशन के बाद रिएक्शन काफी स्लो हो जाती है, और हैलोफॉर्म रिएक्शन हो पाना एसिडिक मीडियम में काफी डिफिकल्ट होता है, बिकॉज द सब्सिक्वेंट स्टेप्स बिकम स्लो, बिकॉज द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड प्रेजेंस ऑफ पहले से आयोडीन विल डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। इसी बेस पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन IIT में पूछा जा चुका है, वो हम डिस्कस करते हैं। पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, तो ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ है, ठीक है, आप देख लीजिए। वन मोल बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, ठीक है। आपको ये बताना है कि रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेंगे। अब अगर अपन बेसिक मीडियम लेते हैं तो रिएक्शन क्या होती है, सब्सिक्वेंट स्टेप्स फास्ट होती जाती हैं, और फास्ट होती जाती है तो रिएक्शन को बीच में रोक पाना पॉसिबल नहीं होगा, और रिएक्शन कंप्लीट होगी CHI3 प्लस HC OH ये बनेगा। अब क्योंकि हमने इन दोनों के 1-1 मोल लिए हुए हैं, तो ये अगर 1 मोल है और ये भी अगर 1 मोल है तो आयोडीन यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, और लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा हम ऐसे इसको मेंशन कर सकते हैं, और जो x की वैल्यू है, ठीक है, ये लिमिटिंग रिएजेंट तो 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। दैट मींस ये 2/3 बचेगा, ये 1/3 बनेगा, ये 1/3 बनेगा, और ये 0, ठीक है, ये कंप्लीटली रिएक्ट हो जाएगा। ओके,
तो इस तरीके से बेसिक मीडियम में हमें सी एच आई थ्री मिलेगा 1/3 mol 1/3 mol और ये 2/3 mol बचा रहेगा और आयोडीन रहेगा इसमें लिमिटिंग रिएजेंट। लेकिन अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कराते हैं तो सब्सिक्वेंट स्टेप स्लो होती हैं, इसलिए रिएक्शन फर्स्ट स्टेप के बाद ही रुक जाएगी और हम इस तरह से बैलेंस भी कर सकते हैं इसको। तो अगर ये 1 mol है, ठीक है, अगर ये 1 mol है तो ये 1 minus x, ये x बचेगा और x की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये 0 बचेगा, ये 0 बचेगा और ये 1 mol बन जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था कि आपको ये समझना था बेसिक मीडियम में रिएक्शन को बीच में रोक पाना पॉसिबल नहीं है और सी एच आई थ्री तक रिएक्शन जाएगी, जबकि एसिडिक मीडियम में मोनोहैलोजनेशन पर या मोनोआयोडिनेशन पर अल्फा कार्बन पर एक एच हटके आयोडीन लग जाएगा और इस पर रिएक्शन को रोका जा सकता है, क्योंकि जो सब्सिक्वेंट स्टेप्स हैं रिएक्शन की वो स्लो होती चली जाती हैं। और अगर आप यहाँ 1 mol लेते हैं तो यहाँ पर रिएक्शन मोनोहैलोजनेशन पर या मोनोआयोडिनेशन पर रुक जाती है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो IIT में अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले IDJE में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन एसिडिक और बेसिक मीडियम से रिलेटेड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब मैं कुछ और क्वेश्चन आपको कराता हूं जो मोनोहैलोजनेशन से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, अगर क्वेश्चन दिया जाए इस तरह से, NaOH I2 1 equivalent और बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम I2 1 equivalent, आपको बताना है कि प्रोडक्ट इसके अंदर क्या बनेगा। ठीक है, तो अगर अपन बेसिक मीडियम लेते हैं तो बेसिक मीडियम में क्या होगा, यहां पर रिएक्शन एनायन के फॉर्म में होगी और एनायन ये ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, लेफ्ट में एनायन ज्यादा स्टेबल होगा, राइट में प्लस आई इफेक्ट लगेगा जिससे कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहां पर अगर अपन 1 equivalent लेते हैं तो आयोडीन लेफ्ट साइड में सब्स्टिट्यूट होगा और यही रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन अगर हम एसिडिक मीडियम लेते हैं तो एनायन बन के नहीं, ये इनॉल बन के रिएक्शन होगी और इनॉल ज्यादा स्टेबल होगा राइट से, क्योंकि अल्कीन ज्यादा स्टेबल है क्योंकि यहां पर अल्फाइड ज्यादा है। ठीक है, और ऐसे में आयोडीन जो होगा वो राइट में सब्स्टिट्यूट होगा और यहां पर मिथाइल और यहां पर राइट में आई आएगा। तो ये दोनों ही रिएक्शंस अलग अलग मैकेनिज्म से होती हैं। यहां पर एनायन बनता है, एनायन लेफ्ट में ज्यादा स्टेबल है इसलिए आयोडीन लेफ्ट में लग रहा है, और अगर हम यहां पर एसिडिक मीडियम में देखते हैं तो इनॉल बन के होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, ये इनॉल ज्यादा स्टेबल है इसलिए आई प्लस यहां पर लगेगा और कार्बोकेटायन यहां बनेगा इसलिए आयोडीन राइट साइड में लगेगा। ठीक है, तो इस तरह के मोनोहैलोजनेशन के क्वेश्चन और भी हम लोग डिस्कस करते हैं, पहले आप इसको देख लीजिए और कॉपी कर लीजिए। ऐसा है, इसको आप रटे नहीं कि जो बेसिक मीडियम में मेजर है वही एसिडिक मीडियम में भी मेजर होगा। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं I2 1 equivalent बेसिक मीडियम और I2 1 equivalent एसिडिक मीडियम, तो अगर अपन बेसिक मीडियम में लेते हैं, ठीक है, तो ज्यादा स्टेबल एनायन ये बनेगा और जो ज्यादा स्टेबल एनायन बनेगा वहीं पे आयोडीन आकर के लगेगा, तो इसका जो मेजर प्रोडक्ट रहेगा, यहीं पर आयोडीन ज्यादा स्टेबल है, सॉरी यहीं पर कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है क्योंकि NO2 ग्रुप इस पर माइनस एम लगाएगा ना कि प्लस आई लगाएगा। और अगर अपन अल्कीन की बात करें तो अल्कीन भी यही ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि कॉन्जुगेटेड रहेगा। ठीक है, और आयोडीन आई प्लस यहां लगेगा जिससे कि कार्बोकेटायन यहां बनेगा, तो इसलिए यहां पर दोनों ही फैक्टर्स सपोर्ट कर रहे हैं राइट में आयोडीन आएगा। ठीक है, बेसिक मीडियम में भी क्योंकि कार्बन आयन यहां ज्यादा स्टेबल है और एसिडिक मीडियम में भी क्योंकि अल्कीन ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अगर अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें इस तरीके से दिया जाए, ओके, तो यहां पर हमने मिथाइल ग्रुप लिया था, यहां पर हम सी डबल बॉन्ड OH ले लेते हैं और सेम रिएक्शन अगर कराई जाती है, ठीक है, यहां पर I2 बेसिक मीडियम I2 H+1 equivalent, तो यहां पर भी सेम वही कंडीशन रहेगी। अगर बेसिक मीडियम है तो ये ज्यादा स्टेबल एनायन बनाएगा और ज्यादा स्टेबल एनायन बनाएगा तो आयोडीन राइट में आएगा। और अगर एसिडिक मीडियम है तो इनॉल बनेगा
और इनॉल भी राइट से ही ज्यादा स्टेबल बनेगा इस तरीके से, और इसलिए यहां पे भी आई जो होगा वो राइट में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहां पर जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन लिया था यहां पर कीटो फॉर्म में, एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस तरीके से अगर दिया जाए और आई टू वन इक्विवेलेंट बेसिक मीडियम ये पूछा जाए, तो यहां पर कार्बोनाइन लेफ्ट में ज्यादा स्टेबल है और लेफ्ट में ज्यादा स्टेबल है तो आई क्या होगा, लेफ्ट में आ जाएगा। और अगर आयोडीन एसिडिक मीडियम हम लेते हैं वन इक्विवेलेंट, तो हम दो इनॉल बना सकते हैं, उनमें से एक इनॉल बनेगा लेफ्ट और एक बनेगा राइट। ज्यादा स्टेबल ये इनॉल होगा। ठीक है, अल्फा ज्यादा है अल्कीन में, ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो आयोडीन जो होगा वो राइट में। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन में आयडो फॉर्म पर कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने देखा था कौन से मॉलिक्यूल आयडो फॉर्म टेस्ट देंगे, डायरेक्ट रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, और इस तरीके से अल्फा हैलोजनेशन के क्वेश्चन, आईआईटी में एक क्वेश्चन पहले ही आ चुका है एसिडिक बेसिक मीडियम, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे और नेम रिएक्शन डिस्कस करेंगे जो होंगी परकिन, नोवेंजल और रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। ओके, थैंक यू वेरी मच।